नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज। मैं आपके साथ विजय यादव। सोमवार रात को राजकीय बालिका गृह से फरार हुई पांचों किशोरियों को बाल कल्याण समिति ने पुलिस की सहायता से मात्र 15 घंटे के अंदर ही दस्तयाब कर लिया। फिलहाल सभी किशोरियों को राजकीय बालिका गृह में अवसरत कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार नारी निकेतन भरतपुर अधीक्षक सीमा शर्मा ने एक लिखित रिपोर्ट सेवर थाना में दर्ज कराई कि राजकीय बालिका गृह भरतपुर में से 5 नाबालिग बालिका पलायन कर गई हैं। इस घटना की सूचना मिलने पर सेवर थाना पुलिस और बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष गंगाराम पारासर, सदस्य अनुराधा शर्मा, राजाराम भुतोली, मदन मोहन शर्मा, बाल संरक्षण इकाई सदस्य बबीता शर्मा और समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक पूरन सिंह मीणा मौके पर पहुंचे और अपने अपने हिसाब से जानकारी जुटाई और जानकारी के आधार पर पलायन की गई 5 बालिकाओं की तलाश की गई तो विजयनगर कॉलोनी में खाली पड़ी जमीन में पेड़ों के झुंडों के पास बैठी हुई मिली। उनको पुनः बालिका गृह आवासरत कराया गया है। भरतपुर से कृष्णकांत की रिपोर्ट। ये राजकीय बालिका गृह से जो 5 बालिकाएं निकली थी तो उसके बारे में अभी क्या जानकारी है आपको और इसमें क्या कार्रवाई हुई है? ये जो बालिका गृह से जो 5 बालिकाएं पलायन करी थी वो 5 बालिकाएं मिल गई हैं। रात को 11:30 से और 12 के बीच में ये बालिकाएं शिशु बालिका गृह से निकली थी और हमें जैसे ही जानकारी मिली, मुझे करीब 10:30-11 बजे किसी थर्ड पर्सन का फ़ोन आया था कि मैडम आपको पता है क्या कि बालिका गृह से 5 बालिकाएं पलायन कर गई हैं जिसमें से एक बच्ची मिल गई है। मैंने कहा मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं जब वहाँ पहुँची तो बाल कल्याण समिति के पूरे सभी लोग थे और मैं उस दिन वहाँ पूरी तरह से वहीं साथ रही थी। डीडी पूरन सिंह जी भी वहीं थे और हम लोगों ने काउंसलिंग करी थी। जो 5वीं बच्ची एक मिली थी उसका नाम टिंकल था, उसको लेके हमने जैसे उससे बात करी थी मैंने और अनुराधा जी ने दोनों ने और एक राजा राम जी भुतौली जी थे, हमने तीनों ने उस बच्ची की काउंसलिंग करी थी एक एक करके जी। तो उस काउंसलिंग में जो निकल के आया था वो ये था कि वो लड़कियां अभी भरतपुर से बाहर नहीं गई हैं। उस लड़की ने जो कहते उन लोगों से सुना था कि लॉकडाउन के मद्देनज़र होते हम लोग जाएंगे कहाँ, तो जैसे ही उस लड़की से हमने बात करी थी तो उस लड़की को लेके हम लोग और जहाँ जहाँ वो लड़की गई थी जिन जिन रास्तों से, तो हम लोग बाल कल्याण समिति की पूरी टीम और मैं और सेवल थाने से थे मोहन सिंह जी, उनको लेके हम लोग 3 गाड़ियों से हम लोग निकले थे। तो विजयनगर में बरसों का नगला है, वहाँ हम लोग पहुँचे तो हम लोगों ने जैसे जानकारी करी थी कि भाई यहाँ पे कल रात को किसी लड़की की एक की मुरली थी, उस टिंकर नाम की लड़की थी, उसकी मुरली चली गई थी तो मुरली थी। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे तो किसी एक बंदे का मोहन सिंह जी के पास फ़ोन आता है कि यहाँ 4-5 लड़कियाँ झाड़ियों में छुपी बैठी हैं। तो हम लोग वहाँ गए तो हमने उन 4 बच्चियों को अपनी हिरासत में ले लिया था और हम लोगों ने उनसे बात करके और उन्हें हमने मोहन सिंह जी के साथ सेवर थाने में एडॉप्ट कर दिया था कि भाई ये बच्चियाँ हमें मिल गई जी। और उसके बाद हम लोग बाल कल्याण समिति आ गए थे और सभी लोगों ने मिलके अपन ने ये काम किया और 4:30 बजे करीब वो लड़कियाँ मिल गई थी। तो हमारा तकरीबन ये था कि 7 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति की टीम और हम लोगों ने मिलके उन बच्चियों को ढूंढ लिया था जी।